दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालप्रभा रिवर के बारे में। ये रिवर बहती है कर्नाटका में। पार्टिकुलरली देखा जाए ना तो कृष्णा की काफ़ी सारी सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों में से प्रमुख एक सहायक नदी है मालप्रभा। यूपीएससी ने 2021 से क्वेश्चन पूछा था कि मालप्रभा रिवर के किनारे में कौन सी सिटी लोकेटेड है। अब प्रश्न जो पूछे गए थे एकदम सिंपल थे, लेकिन हमें कुछ और भी जानकारी है जिसको अपने माइंड में रखना है। हो सकता है कि घुमा फिरा कर कहीं से क्वेश्चन फिर से पूछे जाएं, लेकिन हमें पैटर्न के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि पैटर्न क्या रह रहा है मैप पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सही जोड़ी में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ लेना काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था वो साउथ की जो रिवर हैं उनके किनारे किनारे जो मेजर सिटीज़ बसे हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था। शहर भी ऐसे थे कि ऐसा नहीं कि आप उनके बारे में कभी नाम नहीं सुने होंगे, ऐसे शहर पूछ लिए हैं। मेजर सिटीज़ ही जो कि फेमस हैं उनके नाम ही यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं कृष्णा नदी का, यहाँ पर अपवाह क्षेत्र दर्शाया गया है। ठीक है, कृष्णा रिवर है मेजर यहाँ की, इसलिए सबसे बड़े अक्षरों में कृष्णा रिवर है। फिर बाकी सभी नदियाँ जो हैं छोटे छोटे अक्षरों में आपको दिखाई गई हैं। जैसे कि कुछ रिवर ऐसी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात कर लें तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुंगभद्रा जो है तुंगा और भद्रा दो नदियों को मिला करके बनी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है तुंगभद्रा। इसी में तुंगभद्रा की एक सहायक नदी हो गई वर्धा। ठीक है, चिन्ना, हागिरी, वेदावती, स्वर्णमुखी, ये ऐसी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और नीचे की तरफ यदि हम कृष्णा की तरफ चले जाएं तो हिंद्री रिवर है, लेकिन हम आज जो देख रहे हैं वो मालप्रभा को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइट कलर से मालप्रभा लिखा है। तुंगभद्रा के ऊपर में देखा जाए तो एक मेजर जो रिवर है वो है मालप्रभा है। इसी से रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो मालप्रभा नदी एक भारतीय नदी है जो भारत के कर्नाटक राज्य से होकर के बहती है। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट से शुरू होने के बाद नदी बगलकोट जिले के कुंडाल संगमा में कृष्णा नदी से जाकर के मिलती है। जगह का नाम क्या है? कुंडाल संगमा। इस नदी पर बना रेणुका सागर के नाम से जाने जाने वाला एक बांध है। इस नदी के तट पर बहुत सारे मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। ये मंदिर धार्मिक स्थलों के रूप में फेमस है जो विभिन्न पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को ठीक है अपनी यात्रा कराते हैं। मालप्रभा नदी कहाँ से निकली है और इस कहाँ कहाँ से होकर के ये गुजरती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मालप्रभा रिवर का जो सोर्स है वो है, ये जो नदी है ना पश्चिमी समुद्री किनारे से तल से 792 मीटर की हाइट पर पश्चिमी घाट से उत्पन्न हुई है। पश्चिमी घाट का ये हिस्सा कर्नाटक के बेलगाम जिला के खानपुर तालुक में 16 किलोमीटर की दूरी पर जम्बोती गांव के पश्चिम में स्थित है। कौन सा जिला पड़ता है? बेलगाम जिला पड़ता है और तालुका पड़ता है खानपुर। गांव का नाम है जम्बोती। इसकी डायरेक्शन है पूरब की तरफ। पश्चिमी घाट से निकली है और पूर्व की तरफ ये जाती है। अब पश्चिमी घाट से ज़्यादातर नदियाँ इसलिए निकली हैं क्योंकि ये पश्चिमी घाट की हाइट ज़्यादा है और नदियों की डायरेक्शन आप देखोगे पश्चिमी घाट से ऐसे लुढ़कते हुए डाउन की तरफ जाते हुए पूर्वी घाट की तरफ जाते हैं। पूर्व में बहने के बाद और फिर उत्तर पूर्व की दिशा में नदी आखिरकार कुडाला में कृष्णा नदी से मिलती है। कुडाला, कृष्णा। कृष्णा नदी के साथ विलय से पहले नदी 3 से 4 किलोमीटर तक बहती है। नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया जिसको बोलते हैं 11,549 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेनीहल्ला, हिरहाला, तुपरीहल्ला, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नदी का भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बेलगाम जिले में मुनवल्ली के पास एक बांध बना दिए।
इस बांध को हम रेणुका सागर के नाम से जानते हैं। इस बांध का जलाशय एरिया यदि देखा जाए है ना, कितना है, 11,549 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ बनाया गया है। और बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि इसके पानी से सिंचित है। धार्मिक महत्व की बात करें तो बहुत सारे पुराने पुराने मंदिर इसके किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि श्री मौली देवी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर इस नदी के मूल में स्थित है। देवता यलम्मा को समर्पित एक और मंदिर पास की पहाड़ी पर लोकेटेड है। इस मंदिर में हजारों भक्तों द्वारा यात्रा करी जाती है। इसके अलावा ऐहोल, पट्टदकल, बादामी कुछ प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को की संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है इस नदी के किनारे कौन कौन से सिटीज़ बसे हुए हैं। ठीक है, तो इस नदी के किनारे जितने भी मेजर सिटी पड़ रहे हैं सारे के सारे नाम यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है मेन मेन चीज़ों का, जिनका नाम कभी आप सुने हैं उनके नाम आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ शुरू से ही यदि हम चलते हैं तो जाक नूरू, होल अलूरू, बुधिहाल एस जे, ठीक है, मन्नीरी, खायदा, धनका सिरूर, चिक्कान साबी, नावील होल, मंगलूरू। ठीक है, तो मंगलोर सिटी आप सुने हैं नाम, इसलिए ये फेमस है और आपको इसका नाम ध्यान रखना है कि मंगलोर जो सिटी है मालप्रभा रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा फेमस जो सिटीज़ है वो है पट्टाडिकल, ठीक है, पट्टाडिकल, और ये नंदकेश्वर भी फेमस है, कट्टापुरा, मंगला गुडा, चिम्मिलागी, बेनकानवेरी, इसके वाला ऐहोल, ठीक है, ये ऐहोल भी ऐतिहासिक जगह है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, निम्बालागुंडी, ठीक है, असांगी और ऐहोल, दो चीज़ फेमस यहाँ पर, अल्लू एलूर है ये, ठीक है, ये भी फेमस है, मुल्लारू, हुविनहाली, रामथाला, इंगलागी, चिक्कामागी, फिर है क्या, हेडगोली, बेलगाला संगम है, उसके बाद कुडाला संगम, यहाँ पर जाकर के ये किससे मिल जाती है, कृष्णा रिवर से जाकर के मिल जाती है। तो ये तो थी इसके किनारे जो मेजर सिटीज़ बसी हुई हैं उनके बारे में कुछ जानकारी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कौन कौन सी ट्राइब्यूट्रीज हैं, एक बेनियाला हो गई, हायर हाला हो गई, सरस्वती हाला हो गई, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और ये यहाँ पर जाकर के कृष्णा रिवर से फिर मिल गई है।